सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ पूर्वेश एंड एक और बार मैं आपको यूएसए B1 B2 विजिटर वीज़ा के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपने पहली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में भी उस चीज़ को कवर कर लेंगे। और उस वीडियो में बहुत सारे भाइयों ने कॉमेंट में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे, उसको भी मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, तो एक वीडियो पूरा कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं यूएसए B1 B2 विजिटर वीज़ा। तो जो B1 B2 है, एक विजिटर वीज़ा है, आपको विजिट करने के लिए मिले जाते हैं, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, ठीक है। और ये जो इंडियंस के लिए है, मैक्सिमम 10 ईयर्स के मिलते हैं और मिनिमम 1-2 महीने के भी मिल सकते हैं। और अगर आपको 10 साल के 10 साल के मिलते हैं, तो आपको मैक्सिमम स्टे लिमिट जो होती है वो होती है 6 महीने तक, मतलब कि 6 महीने तक आप लगातार वहाँ स्टे कर सकते हैं, देन आपको वापस आना होगा एंड देन वापस आप जा सकते हो, ठीक है, उस तरीके का होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके फ़ीस की। तो फ़ीस जो है उसकी $160 है, $160 है उसकी फ़ीस, एंड वो नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं मिलेगा। अगर आपका वीज़ा नहीं भी लगता है तो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हो, आपके कागजात पूरे सही हो, ठीक है। तो अगर आप विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास एक इन्विटेशन लेटर होना ज़रूरी है, किसी भी प्रकार का इन्विटेशन लेटर या होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तो वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप ऐसे विजिटर अमेरिका विजिट करना चाहते हो, इस बेस पे वीज़ा रख रहे हो, तो चांसेस बहुत कम है आपको वीज़ा मिले। ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मिलेंगे, लेकिन चांसेस बहुत कम है। जैसे कि मेरे केस में देख लीजिए, मैं एक MBBS का स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ चाइना में स्टडी करता हूँ, तो मैंने शंघाई से अप्लाई करा था। तो मैं वहाँ पर क्लिनिकल रोटेशन जो होता है हैंड्स ऑन, वो करने के लिए जा रहा था, तो मेरे पास हॉस्पिटल का इन्विटेशन लेटर था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे आराम से वीज़ा मिल गया, ठीक है। तो ये बात होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन, मतलब के जो इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू के दिन की बात करते हैं। तो उसके दिन कैसे कपड़े पहनने चाहिए, क्या बोलना है और किस तरीके की सुविधाएं वहाँ आपको मिलेगी, उस चीज़ के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नहीं, बीच में एक और चीज़ बता देता हूँ कि जैसे कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप घबराइए मत, कोई बात नहीं, आपको रीजनल लैंग्वेज का ट्रांसलेटर वहाँ मिल जाएगा। उसको उसके लिए आपको पहले से अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आपका एजेंट कोई फॉर्म भर रहा है आपका B1 B2 वीज़ा का, तो उसी टाइम को उसे बोल दीजिए कि आपको रीजनल लैंग्वेज वाले ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। अगर आप हिंदी है तो आपको हिंदी में भी ट्रांसलेटर मिल जाएगा, अगर आप तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, उसमें भी आपको ट्रांसलेटर मिल जाएंगे। तो किसी भी रीजनल लैंग्वेज जो है उसमें आपको ट्रांसलेटर अवेलेबल होगा, तो उसके लिए आपको पहले से ही अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अब हम सीधा पॉइंट पे आते हैं कि उस दिन कैसे कपड़े पहनने हैं। तो उस दिन आपको कोई बढ़िया सा सूट या टाई वगैरह ऐसा कुछ नहीं पहना, नॉर्मल जैसा फॉर्मल कपड़े पहन के जा रहे हो वैसे ही जाना, कोई महंगी चीज़ नहीं पहननी है, एकदम रिलैक्स होके और कॉन्फिडेंट होके जाना है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पहुँचने के बाद आपको जो इंटरव्यू के दौरान जो क्वेश्चन पूछे जाए उसके आंसर देने हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा बाहर जाने की कोशिश नहीं करनी है। आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगे जाए वही देना है, ज़्यादा और कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, वो जो डॉक्यूमेंट उनको चाहिए होंगे वो मांग लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि जैसे कि काउंसलर सेक्शन पे पहुँचते आपको पासपोर्ट वगैरह देना है, सिर्फ पासपोर्ट ही देना है और कोई चीज़ नहीं देनी। फिर वो लोग क्वेश्चंस पूछेंगे और उस हिसाब से आपको आंसर देने हैं, और आपको उनको ये प्रतीत कराना है कि आप डेफिनेटली इंडिया वापस आएंगे, ठीक है। आप सिर्फ विजिट के पर्पज़ से जा रहे हैं, क्योंकि मेनली वीज़ा इसलिए डिनाई करते हैं क्योंकि उन लोगों को ऐसा डर होता है कि ये बंदा वापस नहीं आएगा। तो इसलिए आपको उनको प्रतीत कराना है कि आप डेफिनेटली डेफिनेटली इंडिया वापस आ रहे हो, उसके रीजंस देने हैं, वो आपको पहले से प्रिपेयर करके जाने हैं, अपने एजेंट से डिस्कस करके उस हिसाब से आपको ये करना है, ठीक है। तो एकदम डिसेंट से कपड़े में जाना है, अच्छे से आंसर भी कॉन्फिडेंट होकर आंसर देना है। और कई लोगों ने ये भी पूछा था कि मैं ट्रांसलेटर के सामने देख के आंसर दूँ या काउंसलर के सामने देख के आंसर दूँ, तो आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। आप ज़्यादा बेटर है कि आप काउंसलर के सामने देख के आंसर दो, ठीक है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज को वगैरह को अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है। तो और भी कुछ भाइयों ने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखे थे, तो मैं उसको उसके बारे में भी बता देता हूँ कि इस वीज़ा इंटरव्यू के लिए आपको इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो जैसे मैंने बताया कि ट्रांसलेटर भी होते हैं, ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन था कि कितने दिन में पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा। तो अगर आपका इंटरव्यू हो गया और आपका पासपोर्ट ले लिया गया है, तो देखिए चांसेस बिल्कुल 100% में नहीं कहूँगा कि आपके चांसेस है वीज़ा लगने के, क्योंकि 90% चांसेस है और 10% चांसेस है कि एक्सेप्ट करने के बाद भी आपका वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाए। क्योंकि मेरे दोस्त के साथ हुआ था, सेम टू सेम मेरे डॉक्यूमेंट जो थे वही सेम डॉक्यूमेंट उसके पास थे,
लेकिन उसका पासपोर्ट ले लिया था और 14 दिन के बाद वेबसाइट पे उसका रिफ्यूज़ दिखाई दिया और बाद में वीज़ा ना लगा हुआ पासपोर्ट वापस आया। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो कम से कम 15 से 20 दिन में आपका पासपोर्ट, अगर आपका एक्सेप्ट हो गया है, सारा कुछ सही जा रहा है, तो कम से कम 20 दिन के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट आपका घर पे मिल जाएगा। ठीक है, किसी भाई ने ये भी पूछा है, कि किसी फंक्शन का इनविटेशन कार्ड है तो उसके लिए क्या करना है। तो ठीक है, फंक्शन का इनविटेशन कार्ड है, अगर जेन्यून कार्ड है, वो लोग वेरीफाई करेंगे, अगर आपको सही पाया जाता है तो आपको बिल्कुल वीज़ा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी है, तो किसी फंक्शन में जा रहे हो, कोई भी इनविटेशन लेटर या इनविटेशन कार्ड चलेगा, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो उसके थ्रू। ठीक है, और एक भाई ने पूछा है कि हाउ टू गेट वर्क वीज़ा ऑफ यूएसए। तो ये देखिए, बहुत मुश्किल काम है, और H1B लेना कोई आसान चीज़ नहीं है आजकल के टाइम में, जैसे कि अभी दौर चल रहा है भाई साहब ट्रंप का, तो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर आपको वहाँ से जॉब लेटर आता है, ऑफ़र लेटर आता है, और उसमें जो वार्षिक आपकी जो सैलरी है 80,000 डॉलर से ज़्यादा है, तो ही आप H1B मिलने के पात्र है। ठीक है, तो ये है वर्क वीज़ा का वहाँ का, जो 80,000 डॉलर काफ़ी हाई सैलरी है। तो इतना ही था इस वीडियो में, अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए क्लिनिकल रोटेशंस के बारे में तो आप मुझे बोल सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं वापस से आपको एक क्लर्कशिप या हैंड्स ऑन रोटेशन कैसे अप्लाई करते हैं MBBS स्टूडेंट के लिए, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा, और MBBS इन चाइना कैसा है उसके लिए भी आप, मेरी एक दूसरी वीडियो है उसे देख सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड बेल जो घंटा है ना उसको दबा दीजिए, तो कोई भी किसी और कंट्री के वीज़ा के बारे में मैं इंफॉर्मेशन डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, धन्यवाद।